पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के विधानसभा सिरसागंज में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रघुनंदन दास गुप्ता एवं प्रत्याशी अमित चौहान ने सिरसागंज में पार्टी का चुनावी विगुल फूका और कहा कि इस बार जनता जुबलेबाजों की सरकार को खदेड़ देगी और आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर देगी। जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में सिरसागंज विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी धमक दिखाते हुए चुनावी समर में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि जिस प्रकार से 2017 में लोक लुभाने झूठे वादे करने वाली सरकार को हटा दिया था, उसी प्रकार से इस चुनाव में भी जुमलेबाजों की सरकार को जनता हटाने का मन बना चुकी है और पूरे देश में दिल्ली का केजरीवाल मंडल अब शुरू होने जा रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंतर्गत आम आदमी पार्टी ने जनता के सभी वादे पूरे करके एक बार दिखा दिया, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, और कहा कि सरकार की शौचालय योजना में घोटाला हुआ और राशन के नमक में शीशा मिलाने की भी बात कही। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी पर कोई भी चुनावी मुद्दा नहीं है, केवल आम आदमी पार्टी ही दिल्ली मंडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने जा रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। सिरसागंज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमित चौहान ने कहा कि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने दो बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बुरी तरह हराया और अब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिल्ली की तरह ही पार्टी अपने स्टैंड पर चुनाव लड़ रही है। निश्चित ही हम इसमें विजयी होंगे क्योंकि जनता हमारे साथ है। सर, हम तो आम आदमी की बात करते हैं जो हमारी दिल्ली में नीतियाँ रही है कि बिजली बिल माफ होगा, कर्जा माफ होगा किसानों का, और जो हमारा 1000 रुपये हम महिलाओं को देंगे अगर हमारी सरकार बनती, इन्हीं सारी नीतियों के साथ हम मैदान में उतरेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य ही हमारी मुद्दा होगा, विकास हमारा मेन मुद्दा होगा। बाकी दिग्गज जीत कितने भी हों, हमारी मुद्दे जो है शिक्षा स्वास्थ्य इनके बारे में बात की जाएगी, जो आम आदमी की समस्या है उनको लेके ही मैदान में उतरेंगे, यही हमारी रणनीति है। आपका विशेष क्या रहेगा? यही हमारा विशेष है, बाकी लोगों का तो ये है विशेष नहीं है, बाकी लोगों का तो मंदिर मस्जिद ये सब विशेष है, और भी कुछ लोगों की कुछ जाति धर्म वो विशेष है, हमारी विशेषता ये है कि हम शिक्षा स्वास्थ्य और श्रम आम आदमी की जो जरूरत है उस पर ही हम बात कर रहे हैं। तो हमारा विशेष यही है, आप जाते होंगे लोगों के पास, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी उनके द्वारा, बाकी लोग हमको कॉपी कर रहे हैं, जहाँ का भी आप देखेंगे जहाँ बिजली का मुद्दा हो उस पर लोग हमें कॉपी कर रहे हैं। आप अभी अखिलेश सरकार 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी, अन्य किसानों का कर्जा भी माफ करेगी, क्या ऐसी कोई योजना लेकर आए हैं आप? नहीं बिल्कुल, ये तो हमारी योजना है, ये उन्होंने कॉपी की है, ये योजना तो हमारी थी, हमने बिजली कैंपेन चलाया, हमने लोगों को बिजली मुफ्त हम देंगे 300 यूनिट तक, ये हमने चलाया, अगले सीजन में उसके बाद में घोषणा की है, ये हमारी घोषणा तो पहले थी। और देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।